अस्सलाम वालेकुम भाई। लोग यार बहुत दिन से मैं इरादा कर रखा था कि तबलीगी जमात में जाना है, ठीक है। तो आज वो मेरा सपना पूरा होने वाला है। आज मैं बिल्कुल तैयार होकर निकला हूँ घर से, अभी निकला नहीं हूँ, घर पे ही हूँ और अभी मैं जाने वाला हूँ। बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से मस्जिद से, सब मतलब एकजुट होकर फिर वहाँ से निकलेंगे जमात के लिए। ये पहला जमात है मेरा, इससे पहले मैंने कभी टाइम लगाया नहीं। ये पहला एक्सपीरियंस है, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा थोड़ी थोड़ी चीज़ें। ज़्यादा तो आप लोगों को भी पता होगा कि जमात के अंदर फ़ोन वोन इस्तेमाल करने शायद अभी देते या नहीं देते, मुझे ये भी नहीं पता। तो मैं लेके तो जा रहा हूँ और आप लोगों को भी थोड़ा बहुत शेयर करूँगा, तो दुआ करना मेरे लिए और अल्लाह के रास्ते में निकलना बहुत अच्छी बात। बस निकलते हैं, अभी घर पे ही हूँ मैं, निकलने वाला हूँ सीधा जाके मस्जिद में चलता हूँ। ये हमारी मस्जिद है और अभी तो कोई आया नहीं, अभी तक घर से निकल के आ गया। ऊपर जाके थोड़ा बैठता हूँ जब तक ये लोग आते। अगर टाइम इंसान निकालना चाहे ना तो टाइम निकाल सकता है, कुछ भी बोलो। अगर इंसान के ऊपर मतलब जैसे इंसान अगर खुद से मतलब चाहे कि हाँ मुझे ये करना है तो कर सकता है। अगर बहाने बनाते रहेंगे तो फिर ज़िंदगी भर बहाने बनाते रहेंगे। एक दिन वक्त आ जाएगा, फिर टाइम ही ख़त्म हो जाएगा, हाथ में टाइम ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैंने भी सोचा कि चलो यार, बहुत दिन से मैं भी सोच रहा था कि जाना है जाना है, बस बहाने मारता था, लेकिन इस बार मौका लग गया तो अल्लाह का शुक्र है लेके जा रहा है अपने रास्ते पर, और मैं भी बहुत खुश हूँ जा रहा हूँ। बस आप लोगों की थोड़ी सी दुआएँ चाहिए ताकि वहाँ जाके थोड़ा दीन का पैगाम फैला सकूँ, लोगों तक पहुँचा सकूँ, समझा सकूँ लोगों को। यही उम्मीद लेके जा रहा हूँ। और आप लोगों को एक चीज़ और बतानी थी, 1 मई को मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ था, तो उनके लिए भी थोड़ा सा दुआ करना। मैं सोच रहा था कि आप लोगों को बता दूँ लेकिन मौका लगा नहीं, और वीडियो मैं सोचा कि आप लोगों को ना बताऊँ, क्या फ़ायदा मतलब बता के। लेकिन मैंने सोचा फिर भी चलो बता दूँ आप लोगों को और थोड़ी दुआ करना मेरे अब्बू के लिए। दुआ में थोड़ा उनको याद करना, याद करना बोले तो याद रखना। और अभी मैं ऊपर वाले फ्लोर पे हूँ, तो ये वाला फ्लोर जो है ना, ये मतलब जुम्मे के दिन ही भरता है, बाकी ये दिन नीचे वाले फ्लोर में आधा भी नहीं भरता, ठीक है। तो अभी नीचे का फ्लोर भी आप लोगों को दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। अभी ऊपर वाला हूँ तो थोड़ा ये थोड़ा ऊपर वाले में उतना फिनिशिंग नहीं है, साफ साफ बोलूँ तो, क्योंकि इधर उतना मतलब ऊपर के साइड सेकंड फ्लोर में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होता, पब्लिक कम होता है, इसलिए ये ऊपर ऐसे ही पड़ा रहता है। और नीचे वाले फ्लोर में दिखाता हूँ आप लोगों को चल के, ये हमारी मतलब मस्जिद है और यहीं से हम लोग जाएंगे। तो ये है गाइस नीचे का फ्लोर, आप लोग देखो यहाँ पर नमाज होता है, और इधर सब देखो ये नीचे का फ्लोर है और यहीं से हम लोग जाने वाले। ऊपर थोड़ी सी डिजाइन बनी हुई है, दिखा देता हूँ आपको। तो यार अस्सलाम वालेकुम। तो देखो गाड़ी में तो मैं वीडियो बना नहीं पाया था, लेकिन यहाँ पे देखो ये वाला मस्जिद है। हम लोग आ चुके हैं, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे आने के बाद ये मस्जिद है, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे साथ में मतलब लोग भी थे, सब बड़े बड़े बुज़ुर्ग थे, तो इनके सामने मैंने वॉइस ओवर नहीं किया, और शर्म लगता है थोड़ा यार इनके सामने, अब इनको क्या समझाऊँ कि मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। तो ये मस्जिद है भाई, मस्जिद तो बहुत खूबसूरत है, आप लोग देख सकते हो, एक नंबर मस्जिद है। और ये पीछे का एरिया था और ये फ्रंट साइड है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, मस्जिद बड़ा मस्त है माशाल्लाह, एकदम ज़बरदस्त। और भाई साहब सब कुछ ठीक था, लेकिन यार इस मस्जिद में ना जैसे दोपहर हो जाता है, जोहर की नमाज़ पढ़ते हैं हम लोग, जोहर की नमाज़ पढ़ के जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के बाद भाई साहब इतनी गर्मी थी, अंदर सोना तो छोड़ो भाई साहब, बाहर हम लोग रात को सोए, और अभी का ये पूरा देखो भाई साहब, एक नंबर गर्मी है। तो यार घर से आने के बाद यहाँ पे ना मैं मतलब आने के बाद हम लोग गर्मी में, इतनी गर्मी है। ये मस्जिद है पहली बात तो, ये वाला ये मस्जिद है आप लोगों को दिखाया अभी, और
घर से आने के बाद यहाँ पे थोड़ा आराम कर रहे थे हम लोग। आराम करने के बाद फिर असर में उठे, नमाज़ पढ़ के फिर बहुत सारी बयान हुई और तिलावत भी हुई और वगैरह वगैरह पता नहीं बहुत सारी बातें हुई। और अभी हम लोग खाना बना रहे, खिचड़ी बन रहा आज। और बस इतना ही आप लोगों को बताना था, दिखाना था। और ये मस्जिद है जहाँ पे हम लोग आए हैं जमात में, ये देख सकते हैं आप लोग। और आगे अगर और मौका मिला तो डालूँगा, वरना यहीं तक है। अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद तो यार बहुत प्यारा है।